नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा। ट्रिक्स इन द सेंस कि ये आपके फॉर्मूले से डिराइव हुई है, मैं डायरेक्टली आपको डिराइव होकर क्या आया है जो आपके जिससे आपका आंसर निकल जाएगा उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, तो आप ट्रेडिशनल मेथड से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, उसी के लिए ये ट्रिक्स यूजफुल रहते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू द मैक्सिमम। मेरे वीडियो शेयर करने का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा तभी हो पाएगा जब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, काफ़ी सारे लोगों को इससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स और जो फॉर्मूलेज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कोई काम के लिए दे रखा है कि ए कंप्लीट्स अ वर्क इन एन डेज, तो इट मींस कि ए विल कंप्लीट वन अपॉन एन वर्क इन वन डे। उसका एक दिन का काम हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वन अपॉन एन हो जाएगा। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस इन क्वेश्चंस को करने में यूज होगा। टाइप टू में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वर्किंग कैपेसिटी यानी एफिशिएंसी दे रखी दी हुई होती है। अगर मैं बोलूं कि ए की वर्किंग कैपेसिटी बी से ट्वाइस है तो इसका मतलब रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी वुड बी 1:2, वो जस्ट उल्टा हो जाता है। जब ए अगर ट्वाइस एफिशिएंट है तो वो काम करने में कम टाइम लेगा बी के मुकाबले, तो दैट वुड बी 1:2। थर्ड टाइप इज ए कंप्लीट करता है एक्स डेज में, बी कंप्लीट करता है वाई डेज में किसी काम को, तो दोनों अगर साथ काम करें तो वो कैसे निकलेगा, दैट वन मैं एक दिन का जो टाइम निकालूंगा दैट इज 1 अपॉन a + b = 1 अपॉन a + 1 अपॉन b, तो वहां ही से निकल के आएगा दैट इज एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई जो है दीज आर द डेज जो दोनों ए और बी अकेले काम करने में ले रहे हैं। तो अब ये एफिशिएंसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा, ये देखते हैं। ए जो है इज थ्राइस अ गुड मैन गुड वर्कमैन देन बी, यानी जो टाइम लगेगा वो ए को कम लगेगा बी को थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब अगर ए थ्राइस है तो उसको टाइमिंग 1/3 लगेगी, तो ए इज टू बी की टाइमिंग जो हो जाएगी दैट वुड बी 1/3। अब यहां पर एक चीज और दे रखिए कि ए को काम करने में 30 दिन कम लगते हैं, यानी अगर बी एक्स डेज में काम करता है तो ए को वही काम करने में एक्स माइनस 30 का टाइम लगेगा। और हम लोगों ने पहले ये निकाला कि ए इज टू बी 1:3 है, दैट मीन्स एक्स माइनस 30 अपॉन x = 1/3, तो एक्स यहाँ से 45 डेज हो जाएगा। अब अगर दोनों एक साथ काम करें तो हमारे पास ए का भी काम है और बी का भी काम है, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वहाँ से हम 11 1/4 कैलकुलेट कर लेंगे। अब ए और बी टाइप फोर है, ए और बी कैन टुगेदर डू अ वर्क इन एक्स डेज, और अगर अकेले बात के लिए बात की जाए तो बी को वही काम ए को वही काम करने में वाई डेज लगेंगे, तो बी उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा दैट वुड बी एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। सेम फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन a + 1 अपॉन b = 1 अपॉन a + b। थर्ड टाइप है अगर ए बी और सी इनको काम करने में एक्स वाई और जेड का टाइम लग रहा है तो एक इकट्ठे काम करने में इनको कितना टाइम लगेगा दैट वुड बी गिवन बाय एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ए जो है दीज आर द टू फॉर्मूलेस, अब एक किसी काम को कंप्लीट करने में एक्स दिन का टाइम लेता है, बी उसी काम को करने में वाई दिन का टाइम लेता है। ए ने काम छोड़ा काम खत्म होने के डी दिन पहले, तो बी को वही काम अकेले करने में कितना टाइम लगेगा दैट वुड बी वाई इंटू एक्स प्लस डी अपॉन एक्स प्लस वाई डेज। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बी वही काम अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर डी वो टाइम है जितने टाइम पहले उसने काम करना छोड़ दिया है। अ वर्कर गेट्स अ वर्क ऑन कंडीशन दैट ही विल गेट रुपीज एक्स फॉर ईच वर्किंग डे बट ऑन द एब्सेंट डे वाई वुड बी चार्ज या पेनल्टी वुड बी चार्ज। आफ्टर डी डेज ही गेट्स रुपीज जेड, तो नंबर ऑफ डेज ही और शी वॉज एबसेंट इज गिवन बाय डी इंटू एक्स
माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई डेज। एक वर्कर को काम पे रखा गया है इसी कंडीशन पे कि उसको हर काम करने वाले दिन पे एक्स रुपीज मिलेंगे और जिस दिन वो एब्सेंट रहेगा वाई रुपीज चार्ज किए जाएंगे एज पेनल्टी। तो अगर उसको लास्ट में जेड रुपीज मिलते हैं तो कितने दिन वो एबसेंट थी वो निकाले जा सकते हैं, डी इंटू एक्स माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट टाइप इज एम वन मैन को डी वन डेज लग रहे हैं किसी काम को कंप्लीट करने में जबकि वो हर एक दिन एच वन घंटा काम कर रहे हैं। एम टू मैन डी टू डेज लगा रहे हैं वर्किंग एच टू आवर्स पर डे। तो एक रिलेशन है एम वन डी वन एच वन इक्वल टू एम टू डी टू एच टू। आप यहाँ से कोई भी एक चीज़ आपको जो गिवन नहीं है जो आपको निकालनी है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यही चीज़ ये वाला जो फॉर्मूला है यही चीज़ अब इसमें आपको दे दी जाए कि साथ में वर्क का भी दे दी कि वर्क W1 एंड वर्क W2। बाकी सारी कंडीशन वही रहेंगी, M1 मैन को D1 डेज लग रहे हैं और वो हर एक दिन H1 काम आवर्स काम कर रहे हैं। सेम सेकंड कंडीशन W2 M2 मैन के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है D2 डेज में और वो हर एक दिन H2 आवर्स काम कर रहे हैं। तो M1 D1 H1 अपॉन W1 वुड बी इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। यहां से आपको जो भी अननोन क्वांटिटी है आप वो निकाल सकते हैं। तो इनके नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड या जो वर्क रिक्वायर्ड है आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एच टू आर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन रिलेशन से। तो ये थे कुछ ट्रिक्स और फॉर्मूलेस टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।